सो गाइस आज की स्पीड में हम लोग बात करने वाले अपने क्यूक वीपीएन के बारे में। जैसे गाइस मैं क्यूक वीपीएन को ओपन करता हूँ और यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करके मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो गाइस देखो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन ईरर का प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि आप लोग इसी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड का जो प्रॉब्लम है वो मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस इस वाले वीडियो को आप लोग पूरा देखो। इस वाले वीडियो को पूरा देखने के बाद ये जो प्रॉब्लम है 100% फिक्स आउट हो जाएगा, ठीक है। कैसे क्या कुछ करना है सब कुछ इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो कहीं से भी इसकी मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पे न्यू या फिर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे तो वीडियो का नोटिस मिल सके सबसे पहले। तो चलो यार फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं इस वाले प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे जो कनेक्शन फेल का आप लोग का प्रॉब्लम आ रहा है, इसको आप लोग फिक्स आउट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग, ठीक है, क्यूक वीपीएन को इस्तेमाल कर रहे हो तो गाइस मैं आपको बता दूँ कुछ बेसिक सा चीज़ों की आप लोग ध्यान देना है। अगर आपका ये सेटिंग ऑन होगा तो क्यूक वीपीएन काम नहीं करेगा। सबसे पहला सेटिंग ये है कि गाइस आप लोग अपने फोन के सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों को क्या करना है, DNS सर्च करना है, DNS, ठीक है, DNS सर्च करना है। प्राइवेट DNS का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आप लोग चेक करना आपका प्राइवेट DNS ऑन है या फिर ऑफ है, ठीक है। अगर आपका DNS यहाँ पे ऑन होगा तो उसको आप लोग ऑफ कर देना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ चेक करना। ये चीज़ चेक करने के बाद गाइस आप लोग क्या करना है, आपको क्यूक वीपीएन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा स्टोरेज एंड क्लियर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर स्टोरेज, इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना। एंड इसके करने के बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको मिलेगा मोबाइल डाटा का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग चेक करना कि आपका मोबाइल डाटा ऑन है या फिर ऑफ है। अगर आपका मोबाइल डाटा ऑफ होगा तो इसको आप लोग ऑन कर लेना, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आप लोग यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर देना। एंड आप लोग फोर्स स्टॉप करने के बाद इसको कट कर देना, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आप लोग क्या करना, क्यूक वीपीएन को ऑन करना। ऑन करने के बाद आप लोग इंडिया पे आना और कनेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाता है तो सही सही आप लोग यूज कर लो। अगर नहीं होता है तो ये टेक्निकल इशू होगा, जैसे कि आप लोग बोल सकते हो टेक्निकल इशू किसको कहता है। मान के चलो यार, मतलब कि इस एप्लीकेशन के तरफ से अगर टेक्निकल इशू होगा तो एप्लीकेशन वाले ही इसको फिक्स आउट कर पाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 6:13 हो रहा है, ठीक है, अगर अभी के समय पर आप लोग कर रहे हो तो नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक बार क्या करना, चेक कर लेना प्ले स्टोर, ठीक है। प्ले स्टोर पर आना और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्यूक वीपीएन। जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे तो गाइस देखो अभी के समय पर यहाँ पर कोई भी अपडेट देखो हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जब आप लोग 6 बजे या फिर 7 बजे या फिर 8 बजे आओगे तो यहाँ पे अगर अपडेट आपको देखो मिल गया तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके इसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। इसको जो क्यूक वीपीएन है, ठीक है, इसका जो भी डबलेवर है वो सब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे इसका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे कैसे आपको अपडेट मिल जाएगा, सिंपल से आप लोग को यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके इसको अपडेट कर लोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स आउट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल गाइस देखो जितना चीज मैंने आपको बताया उसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग कुछ देर वेट कर लो, ये टेक्निकल इशू अगर आगे से होगा तो आगे से फिक्स आउट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन वगैरह मत लो, ठीक है। अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो और फ्री फायर गेम खेलने के वजह से आप लोग वीपीएन का यूज करते हो तो मैं आपको बता दूं उसके जैसे आप लोग को बहुत सारा वीपीएन मिल जाता है। प्ले स्टोर पर आना और यहाँ पर सर्च करना वीपीएन, ठीक है। आप लोग जैसे आप लोग वीपीएन सर्च करोगे यहाँ पर आपको ढेर सारा वीपीएन मिल जाएगा। आप लोग यहाँ चाहो तो टर्बो वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सारा वीपीएन और देखो मिल जाता है। जो भी सर्वर, ठीक है, आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो उस सर्वर का आप लोग वीपीएन डायरेक्ट ही डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग को सर्च करना है इंडिया, ठीक है, इंडिया वीपीएन VPN, ठीक है। जैसे कैसे आप लोग इंडिया VPN लिख के सर्च करोगे तो आप लोग को इंडिया सर्वर का काफ़ी सारा VPN मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बांग्लादेश का VPN चाहिए तो BANGL बांग्लादेश सर्वर लिखना, बांग्ला, ठीक है, देश लिख देना, ठीक है, देश, ठीक है, VPN जस्ट आप लोग को लिखना है बांग्लादेश VPN। आप लोग को यहाँ पे ढेर सारा बांग्लादेश VPN मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग VPN यहाँ से डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर यूज कर पाओगे और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको फिक्स आउट कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस देखो जितना भी इंफॉर्मेशन था, जितना भी ट्रिक था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।